यहाँ डॉक्टर वसीकरण द्वारा एक कॉन्फ्रेंस हॉल में अपने रोबोट चिट्टी को इंट्रोड्यूस कराने का सीन है। इस जगह पर जब रजनीकांत सर का डबल रोल एक ही जगह पर दिखाया गया था, तो इसके लिए रजनीकांत सर वसीकरण के रोल में एक डबल बॉडी को हक करते हैं। एक्चुअली वह जो डबल बॉडी रहता है उसके फेस पर कई सारे टैगिंग पॉइंट है, जिसको रजनीकांत सर के चिट्टी के रोल वाले अवतार को उसकी जगह रिप्लेस कर दिया जाता है। इस जगह पर डॉक्टर वसीकरण चिट्टी को तोड़ने का फैसला करते हैं और वह कुल्हाड़ी से उसका हाथ काट देते हैं। उसके बाद केमिकल उसके फेस में डालते हैं, तो यहाँ पर उनके इस केमिकल की वजह से चिट्टी का पूरा फेस खराब हो जाता है। केमिकल डालने से उसका चेहरा कुछ ऐसा हो जाता है और अंदर का स्टील वाला पार्ट दिखने लगता है। इसकी शूटिंग के लिए रजनीकांत सर का कुछ इस तरह से मेकअप किया गया था जो कि सच में एक रोबोट जैसा वह दिखने लगे थे। उनके चेहरे को कुछ इस तरह से बदला गया, जो वाकई कमाल का वर्क था। डॉक्टर बोहरा का रोल प्ले डैनी सर ने किया है। वह इस जगह पर अपने बनाए गए रोबोट को चलने कहता है, बट टेक्निकल गड़बड़ी होने के कारण उसका रोबोट उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी शूटिंग भी चिट्टी के जैसे ही करी गई थी। इस रोबोट में भी प्रोग्रामिंग करी गई थी। यहाँ उस समय का शूटिंग है जब रोबोट को डॉक्टर बोहरा गन चलाने के लिए कहता है और वह कुछ इस तरह से इसे करता है। शूटिंग तो धांसू लग रही है, भले ही ग्रीन कलर के सूट वाले आर्टिस्ट ने इसे होल्ड किया हुआ था। इस जगह पर जब डैनी सर का रोबोट कुछ ऐसी हरकतें करता है, तब वह उसको किक मारता है। तो इसकी शूटिंग भी देखिए, है ना कमाल का। तो देखिए, रोबोट के बाकी फिजिकल फंक्शन क्रू मेंबर्स के द्वारा कराया गया था, बट उसके जबड़े हिलाने और फेस एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए उसमें प्रोग्रामिंग करी गई थी। यानी कि इसके लिए टेक्निकल टीम रिमोट कंट्रोल से रोबोट को कमांड देता था। डॉक्टर बोहरा अपने रोबोट को गलती से गला दबाने के लिए बोलता है, जिस पर उसका रोबोट गला दबाने आ जाता है। तो इसकी शूटिंग भी कुछ ऐसे हुई थी और फिर डॉक्टर उसे मार कर गिरा देता है। इस जगह पर बिजली का झटका लगने पर चिट्टी डैमेज हो जाता है। तो इसकी शूटिंग देखिए कैसे हुई थी। उस मैकेनिकल रोबोट को डैमेज दिखाने के लिए उसे कुछ इस तरह से तब्दील करा गया था, एंड फिर रिकवरी होते हुए दिखाने के लिए उसके लिए रजनीकांत सर को टेबल जैसे बॉक्स में बंद करके उसका फेस वाले पार्ट को केवल सूट करा गया। यहाँ आप देख रहे हो कि उसके गले में प्रोस्थेटिक मेकअप के जरिए रेडिएटर लगाया गया है, बाकी के हिस्से को ढका गया था। यह उस समय का सीन है जब सना को किडनैप कर चिट्टी ले जा रहा होता है। इसी सीक्वेंस में चिट्टी के आंख में गोली लग जाती है, जिसके कारण उसका एक आंख पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। इस सीन को बनाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट को घंटों रजनीकांत सर के फेस पर प्रोस्थेटिक मेकअप करना पड़ा था। आप देख रहे हो कि काफी बारीकी से रजनीकांत सर के आंखों के चारों तरफ ग्रीन कलर के शेड्स बनाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए ताकि रोबोटिक हेड, जो कि पहले से ही बनाया गया था, सीन के दौरान रोबोटिक हेड में आर्टिस्ट के द्वारा आंख लगाया जाता है, तो उस वाले सीन को रिप्लेस करके रजनीकांत सर के ग्रीन साइड वाले आंख में तब्दील कर दिया गया था। हमें मूवी में यह वाला सीन देखने में ऐसा लगा कि जैसे रोबोट खुद से आंख लगा रहा है। ऐसे ही मूवी में दिखाए जाने वाले कई सारे छोटे छोटे सीन, जो कि हमें देखने में कुछ ही सेकंडों के लगते हैं, बट यकीन मानिए, मूवी में उस कुछ सेकंड के सीन को दिखाने के लिए फिल्म मेकर्स को महीनों का समय भी कभी कभी लग जाता है।